ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक बार फिर से भिड़ गए हैं। इस बार शुरुआत सिंधिया ने की है। दरअसल हाल ही में दिग्विजय सिंह बुरहानपुर पहुंचे थे, उस वक्त अल्पसंख्यक वर्ग के एक नेता और उनके मंच पर बैठने की बात को लेकर हुज्जत हो गई। अल्पसंख्यक विभाग के ग्रामीण जिला अध्यक्ष मंच पर कुर्सियों के पीछे खड़े हुए थे, जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उनकी निगाह कांग्रेस नेता की तरफ पहुंची। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप युवक कांग्रेस से हैं? इस पर अल्पसंख्यक वर्ग के जिला अध्यक्ष ने कहा, मैं मंच से चला जाता हूं। तो दिग्विजय सिंह भड़क गए और कहा, आपको जाना हो तो जा सकते हैं। अब पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो गया है और इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, दिग्विजय सिंह, आप अपनी पार्टी के नेताओं को षड्यंत्रकारी तरीके से नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसा करना आपकी पुरानी आदत है और आप दुर्व्यवहार भी करते हैं। आप लोगों को अपनाना सीखिए और अहंकार छोड़िए। लेकिन दिग्विजय कहां चुप बैठने वाले थे। दिग्विजय सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार करते हुए कहा, आपकी सीख के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। दिग्विजय सिंह ने जिन शब्दों में जवाब दिया, उससे साफ है कि राजघरानों की लड़ाई सियासी मैदान में और भी गर्माने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कभी भी राजनीतिक हिसाब चुकता करना नहीं भूलते, इसलिए राजनीति में उनसे दुश्मनी करने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों उन सीटों पर भ्रमण कर रहे हैं जो कई बार से कांग्रेस हार रही है। वो लगभग पूरे प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने जहां भी स्थानीय मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की, वहां उन्होंने सिंधिया पर जरूर निशाना साधा। उन्होंने अधिकांश जिलों में ये बयान दिया, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2020 में राजा महाराजा और पैसे वाले लोग बिक गए, जबकि गरीब और दलित विधायक नहीं बिके। आपको ये भी बता दें कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त राजा महाराजाओं का भी राज चलता था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों दिग्विजय सिंह के पूर्वजों के बीच वर्चस्व को लेकर लंबे वक्त तक घमासान मचा रहा। इसके बाद जब दोनों ही राजघराने राजनीति में आए, तो माधव राव सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच लंबे वक्त तक सियासी प्रतिद्वंदिता चलती रही। इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह आमने सामने हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।